हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लैंड पर। आज हम बात करने जा रहे हैं WNBA में आज का मुकाबला आने वाला है CHI वर्सेस WS के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है। उस मैच के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समो रिवर ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाली है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के हर प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताने वाले हैं। दोनों टीमों के आपको एक एक पॉइंट कवर करके देंगे। अगर आप किसी फंटेसी ऐप पे अपनी टीम बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समोली और ग्रैंड लीग पिक के बारे में। तो समोली में CHI की तरफ से एमा मैशमैन को अपनी टीम में और कॉन्टरनी को अपनी टीम में, कॉन्टरनी वेंडर्स ब्लू सोल्यूट, तो आपके पास एक अच्छा खासा पिक देने मिल जाएगी। एमा मैशमैन के बारे में बात करें, अभी तक इन्होंने एज स्मॉल फोर्ड ग्रुप में 101 के अलावा यानी कि 101 पॉइंट कवर करके एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्लेयर CHI की तरफ से आपको आपकी समोली टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले। इनको आप अपनी टीम में एज स्मॉल फोर्ड के रूम में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होना है। 160 सीट यानी कि 167 के अलावा अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है जे स्मार्ट फोर्ड के रूम में बेस्ट पिक होने वाले। काउंटरनी के बारे में बात की, कॉन्टरनी ने एज पॉइंट गार्ड के रूम में अभी तक 98 के अलावा पॉइंट करके एक अच्छा खासा आपके पास बेस्ट पिक पॉइंट कार्ड के रूप में CHI की तरफ से होने वाले। तो इनको आप अपनी टीम में CHI की तरफ से जे पॉइंट कार्ड के रूप में समोली या ग्रैंड लीग दोनों टीमें लेकर चल सकते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट भी कैप्टन वो इस कैप्टन रूम में देखने को मिल जाएगी। WS के बारे में बात करें, सरिका को अपनी टीम में लेकर चले, एरियल हटकिंस को अपनी टीम में समोली के लिए, दोनों बॉलिंग अच्छे खासा ऑप्शन होने वाले। सकीरा ऑस्टिन के बारे में बात करें, सकीरा हटकिंस ने अभी तक एक अच्छा खासा आपके पास बेस्ट पिक देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक इन्होंने एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 88 के लेवल पॉइंट करके एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। एरियल हटकिंस के बारे में बात करें, ये भी आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। इन्होंने एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में लगभग 80 के लेवल दो मैच में पॉइंट करके एक अच्छा खासा अभी तक एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस पर WS की तरफ से दोनों प्लेयर आपको समोली के लिए टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाला है। तो आप अपनी समोली टीम इनको लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ। चारों प्लेयर आपके पास बेस्ट पिक समोली के लिए होने वाले हैं। इन्हीं में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर लेकर चलिए, ये प्लेयर आपके पास बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन के होने वाले। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग पे पिक के बारे में। तो CHI की तरफ से टीना और एनएली को अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग टीम में लेकर चलेगा। समोली टीम में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि रिस्की प्लेयर है। रिस्की प्लेयर को हम अपनी समोल लीग से दूर रखें उतना ही हमें फ़ायदा होने वाला है। समोल लीग में कॉन्टेस्ट कम होने के कारण हमको टॉप से टॉप प्लेयर लेकर चलने पड़ते हैं। इसी कारण हम रिस्की प्लेयर को अपनी टीम से दूर रखें उतना ही हमें फ़ायदा होने वाला है। WS के बारे में बात करें, रूई मैसीडा को अपनी टीम में और महेशा हिंस को अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग टीम में लेकर चलेगा। समोल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि रिस्की प्लेयर है। रिस्की प्लेयर को आप अपनी समोल लीग से दूर रखें उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो की प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो बेस्ट परफॉर्मेंस की प्लेटफॉर्म में बात करते हैं, वेंडर स्लूट को अपनी टीम में एज पॉइंट गार्ड के रूम में लेकर चले, डाना इवान्स आपके पास CHI की तरफ से बेस्ट पिक शूटिंग गार्ड के रूम में, एमा मैशमैन को आप अपनी टीम में एज स्मॉल फोर्ड के रूम में, समोली ग्रैंड लीग दोनों टीम में मौका दे सकते हैं, पार्कर को आप अपनी टीम में एज पावर फोर्ड के रूम में ग्रैंड लीग टीम में लेकर चले, अजूरा स्टेवेंस को अपनी टीम एज सेंटर रूम में ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाले। CHI की तरफ से 500 प्लेयर बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले। WS के बारे में बात करें, नताशा क्लाउड को अपनी टीम एज पॉइंट गार्ड के रूम में ग्रैंड लीग टीम में लेकर चलिए। दूसरे नंबर पर बात करें, एरियल हटकिंस को आप अपनी समोल लीग में शूटिंग गार्ड के रूम में लेकर चल सकते हैं। रूई मैसीडा के बारे में बात करें, शूटिंग गार्ड के रूम में वाकर को अपनी टीम एज स्मॉल फोर्ड के साथ साथ एडी डोने को अपनी टीम में पावर फोर्ड और हिंस एलन को अपनी टीम एज सेंटर रूम में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होना। WS की तरफ से टॉप पिक प्लेयर है, बहुत ही अच्छी खासी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में विजन रैंक का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन को डाउनलोड करें। विजन को क्यों डाउनलोड करें, सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको विजन पर देने मिलेगा। एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन का विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। इसमें ये आपके पास बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है, हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन, यानी कि बाकी ऐप से इसमें आपको 5 मिनट बाद इस गेम स्टार्ट हुआ तो लाइन में आने वाले एक अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास अपनी बेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का। तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर,
और हमारा रेफर कोड यूज करेगा आपको 300 रुपये बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करके अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ 20 हज़ार पर तैयार करें। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं CHI की तरफ से वेंडर सलूट के बारे में बात करें, जो पॉइंट गार्ड के 98 के लगभग, डायना न्यूआंस ने आज शूटिंग गार्ड ग्रुप में 37 के लगभग, एली कोगले ने आज शूटिंग गार्ड ग्रुप में 22, एमा मैचमैन के बारे में बात करें स्माल फॉर्ड ग्रुप 101, एनिला माले ने आज स्मॉल फॉर्ड ग्रुप में एक मैच में 16 के लगभग पॉइंट करके CHI की तरफ से 500 प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस से आपको देने मिल जाएंगे। तो आप अपने ड्रीम टीम में इनमें से प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। WS के बारे में बात करें तो सक क्लाउड ने आज पॉइंट गार्ड ग्रुप में 58 के अलावा, एरियल एटकिंस ने आज शूटिंग गार्ड ग्रुप में 79, रूम एचिडा के बारे में बात करें शूटिंग गार्ड में 31, वाकर कैम्बो के बारे में बात करें स्मॉल फॉर्वर्ड में 43, एलाइसा क्लार्क ने आज स्मॉल फॉर्वर्ड में 41 के लगभग पॉइंट करके हर मैच में आपको यह प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देने को मिल जाएगी। आप पॉइंट लेवल देख सकते हैं, हर मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, 3 प्लेयर CHI की तरफ से और 4 प्लेयर आपके पास WS की तरफ से, बेस्ट भी कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाला है। कैंडिस पकर को अपनी समोली में कैप्टन, तसा क्लाउड भी आपके पास समोली के कैप्टन, और ईडी डने भी आपके पास एक अच्छा खासा समोली के लिए कैप्टन रूम में होने वाले हैं। बाकी डेना वांस को आप अपनी ग्रैंड लीग में कैप्टन, मैसमैन को भी आप अपनी ग्रैंड लीग में टैग कैप्टन, एरियल एटकिंस को आप अपनी समोली में वॉइस कैप्टन, और हिंज एलन को आप अपनी ग्रैंड लीग में वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चले। आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, चाहे समोली टीम रहे ग्रैंड लीग टीम रहे, ये 7 प्लेयर आपके पास बेस्ट भी कैप्टन वॉइस कैप्टन रूम में होने वाली है। इनमें से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर लेकर चलेगा। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके स्क्वाड को जरूर देख ले। इन्हीं में से आपके प्लेइंग गेट होने वाले। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग गेट के बारे में। तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक किए, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में यह प्लेयर खेलने वाली है। बाकी हम आपको लाइनअप आने वाले टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में। तो आज आप अपनी ड्रीम टीम में क्लाउड को अपनी टीम में WS की तरफ से, और गार्डनर को भी आप अपने पहले ड्रीम टीम में एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में CHI की तरफ से जरूर लेकर चले। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, वांस आपके पास CHI की तरफ से, एटकिंस WS की तरफ से बेस्ट पिक आपके पास शूटिंग गार्ड के रूम में होने वाले हैं। स्मॉल फॉर्वर्ड में मैचमैन आपके पास एक अच्छा खासा है CHI की तरफ से, बेस्ट पिक स्मॉल फॉर्वर्ड के रूम में, बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है। पावर फॉर्वर्ड में हॉकिंस को आप अपनी टीम में एज ए पावर फॉर्वर्ड के रूम में WS की तरफ से मौका दे सकते हैं। पार्कर भी आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है, डेली डॉन भी आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है, लेकिन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में, पहली ग्रैंड लीग टीम में हॉकन्स को भी आप अपनी टीम में पावर फॉरवर्ड में जरूर मौका दीजिए। सेंटर के बारे में बात करें, स्टेवंस को CHI की तरफ से, ऑस्टिन को अपनी टीम में WS की तरफ से एक अच्छा खासा सेंटर में पिक देखने को मिल जाएगी। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, मैचमैन को अपनी टीम में कैप्टन, एटकिंस को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चले। कोई भी लॉस नहीं है, एक अच्छा खासा पिक देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक के डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और आपने तक विजिलेंट और नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइज सिर्फ और सिर्फ आपको विजिलेंट पर देने वाले, तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और हमारा रेफर कोड यूज करके आपको एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करके अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजिलेंट पर तैयार करें।